कल का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कल के दिन आने वाला है हमारे फ्री फायर में ओबी अपडेट। चाहे वो पीसी प्लेयर हो या फिर मोबाइल प्लेयर हो, इसका बहुत ही जल्दी से इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस अपडेट में बहुत अच्छे अच्छे अपडेट आने वाले हैं। और जो गूगल प्ले बीटा वाले इमुलेटर में जो फ्री फायर खेलते हैं, उनको तो भाई ये तरस गए होंगे इस अपडेट को देखने के लिए, क्या उसमें इसकी हमारी मतलब जो हम लोग खेलते हैं हमारी स्प्रिंट बटन ठीक होगी या फिर हमारी स्प्रिंट बटन ऐसी की ऐसी ही देखने को मिलेगी। ये तो हमें कल पता चल जाएगा, कल नहीं कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। कल 9:30 बजे के आसपास हमको अपडेट देखने को मिल जाएगा। 9:30 बजे तक हम अपडेट कर लेंगे, उसके 1-1.5 घंटे बाद हमको सब कुछ सही से पता चल जाएगा। और जैसे ही कुछ पता चलेगा तो मैं आपको तुरंत ही अपडेट कर दूंगा, हमारे डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूंगा, हमारे इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो वहां पर भी हमको फॉलो वॉलो कर लेना। अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर सबसे फास्ट अपडेट मिलते हैं। और कुछ ऐसे चेंजेस जो कि हमारे OBU44 में आने वाले, जो कि बहुत ही ऑसम अपडेट है, ठीक है, चलो वो मैं आपको बता देता हूं। चाहे वो पीसी वाले के लिए हो या फिर मोबाइल वाले के लिए, दोनों अपडेट बहुत बढ़िया है। पहले मैं आपको मोबाइल वाले अपडेट बता देता हूं। आप सबसे पहले ये वाला अपडेट देखो, इसमें क्या है कि मेरे को लग रहा है गिल्ड वॉर में हमारे कलहारी मैप या परगोटरी मैप या अल्पाइन मैप, जो भी हमारे अल्पाइन नहीं सॉरी बरमुंडा का जो हमारे बाकी के तीन मैप और है, बरमुंडा के अलावा जो हमारे नेक्स्ट्रा रहते कलहारी रहते और परगोटरी रहते, वो भी हमारे आने वाले हैं हमारे गिल्ड वॉर में, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट लगा मेरे को। और गिल्ड वॉर का हैकर जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इनको एक्सपोज किया था, तो मुझे लग रहा है ओबी अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा कम वो भी होने वाले। और अलग अलग मैप देखने को मिलेगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अलग अलग मैप में हम सब खेलेंगे तो भाई बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये अपडेट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अभी ये वाला अपडेट भी बहुत मस्त वाला अपडेट है। क्या होता है, जब हम गेम खेलते बीआर में तो हमें डबल एक्टिव स्किल के रूप में एक एक्टिव स्किल मिलती है, जो कि हमारी कभी कभी मिल जाती है हमें, वो ड्रोन वाली मिल जाती है, कभी कभी क्रोनो की मिल जाती है, कभी कभी क्लू की मिल जाती है। तो अगर आप पहले से ही इन तीनों की एबिलिटी को यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आपने क्रोनो की एक्टिव स्किल को आप पहले से ही लेकर आए हो, क्रोनो को आप आपके इन गेम में लेकर आए हैं, क्रोनो की एबिलिटी से ही आप खेल रहे हो, आप कैरेक्टर स्किल में आपका क्रोनो इक्विप करके लाए हो, तो अगर आपको बैटल कार्ड मिलता है, बैटल कार्ड में जो ड्यू डबल एक्टिव स्किल में आपको मिलती है क्रोनो की स्किल, अगर आप उसको रख लेते हो आपके पास और आपकी एक और मेन जो आप लेकर आए हो, दोनों स्किल हो जाएगी, तो दोनों स्किल हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जैसे आपका क्रोनो एक बार यूज़ कर लेते हो तो आप तुरंत ही उसको दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हो विदाउट कूल डाउन, ठीक है। अभी अब की बार जब ऐसा होता है ना, तो अभी ऐसा नहीं होता है, अभी मेरे को मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कि ऐसा क्या होता है, लेकिन अभी आप अपडेट के बाद उसको तुरंत ही यूज़ कर पाओगे विदाउट कूल डाउन। और इसको और एक और तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है कि जैसे आप क्रोनो की एबिलिटी को यूज़ कर रहे हो और आप क्रोनो का ही आपकी कूल डाउन पर, आपकी क्रोनो की एबिलिटी कूल डाउन पर है, और आपको कार्ड जो बैटल कार्ड मिलता है हमें ड्यूअल एक्टिव स्किल के लिए क्रोनो का, वो अगर आपको मिल जाएगा तो जो आपका कूल डाउन है वो आपका घट जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा, आपकी स्किल रीसेट हो जाएगी। अब इतने सारे अपडेट आए तो आपने एक और अपडेट के बारे में तो कहीं ना कहीं तो सुना होगा, जो कि वो एक्सीजन की ई बेज वाला हमारा जो आने वाला है इलाइट मेंबरशिप या कुछ भी ऐसा कुछ करके ई बेज वाला मेंबरशिप आने वाला है। अभी तक आपने ये तो सुन लिया होगा कि आपको इसमें फ्री ई बेज मिलेगा, आप अगर इसको परचेस करते हो फ्री कैरेक्टर मिलेंगे, फ्री पेट मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी एडिशनल चीज भी है। आप इसमें 100 प्लेयर को और ज्यादा ऐड कर पाओगे, यानी कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में 100 प्लेयर को और ज्यादा फ्रेंड लिस्ट में ले सकते हो, और एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिलेगा। एक्स्ट्रा स्लॉट मतलब जो आपका कपड़े बदलने का रहता था, पहले 2 स्लॉट मिलते थे ऐसे वैसे कम चीज कर लेते, उसमें कुछ टाइम के लिए आपको और भी एक और कपड़ा चेंज करने का मिलेगा, जिससे आप 3 तरह के बंडल को एक साथ रख सकते हो। खैर ये तो पैसे वालों की बात होगी, जिनके पास पैसे होंगे वो सब खरीद लेंगे, वरना हम तो भाई बिना टॉपअप वाले बंदे। और जो हमारे पीसी प्लेयर के लिए एक और अपडेट आने वाला है, तो वो हमारा अपडेट यही है कि जो हमारा कस्टम एचयूडी हम जो व्हीकल का करते थे उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, बहुत लोगों को उसमें प्रॉब्लम आती थी व्हीकल का अपडेट करने में, तो इसके बाद जो आपका व्हीकल वाला जो सेक्शन रहेगा उसके लिए एक अलग ही कस्टम एचयूडी देखने को मिलेगा, जिससे पीसी प्लेयर अपने उसके भी कस्टम एचयूडी को सेट कर पाएंगे, उस पर भी अच्छे से की मैपिंग कर पाएंगे। बस जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इन सब चीज के वीडियो बना दूंगा, और इनके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि कल जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, चाहे वो हमारे स्क्रीन बटन के ऊपर रिलेटेड हो या फिर और भी हमारे फ्री फायर के अलग अलग अपडेट के ऊपर। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम गूगल प्ले बीटा को अपडेट कैसे करेंगे, गूगल प्ले बीटा के अंदर हमारा फ्री फायर अपडेट कैसे करेंगे, या फिर हमको गूगल प्ले बीटा को भी अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो चलो मैं आपको दोनों ही सवाल का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फ्री फायर को अपडेट कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गूगल प्ले बीटा को कैसे अपडेट करना है। देखो जो ये प्ले वाली बटन रहती है ना, इसके साइड में ही आपको एक अपडेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका फ्री फायर का अपडेट हो जाएगा। याद रखो ये पोस्टर नहीं है वगैरह है ना, सब कुछ चेंज नहीं होता है, जब अपडेट आता है अपडेट करने के बाद में ये सब चीज चेंज होती है, तो इसलिए पहले आपका जो प्ले वाला बटन है उसके साइड में एक बार चेक कर लेना कि वहां पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा हो, तो आपको उस पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। और गूगल प्ले बीटा को अपडेट करने के लिए आपको राइट साइड में डाउन साइड में राइट साइड में नीचे साइड आपको गूगल प्ले बीटा का कुछ इस प्रकार का आइकन देखने को मिल जाता है हिडन आइकन में, तो आपको इस पर एक बार राइट क्लिक करना है, यहाँ पर चेक फॉर अपडेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आपको चेक फॉर अपडेट कर देना है। अभी देखो मेरा यहाँ पर 24 करंट वर्जन बता रहा है, आपका कौन सा वर्जन बता रहा है, क्योंकि बीच में 25 आया था लेकिन मैंने फिर से इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया ना, तो 24 वाला वर्जन मेरे इसमें शो कर रहा है, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपके इसमें कौन सा वाला वर्जन दिखा रहा है। और गूगल प्ले बीटा बहुत ज्यादा नए नए गेम लॉन्च कर रहा है, तो उनके ऊपर भी ऑफर आ रहे, तो ऐसे ऑफर में और भी आपको बताता रहूंगा, सभी चीज आपको A to Z यहाँ पर अप टू डेट मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।